맞아. 고인카트라니. मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, ये देखो। मुझे यहाँ से नींद में चलने की बीमारी हो गई है, मैं जिसको भी जहाँ भी मिलूँ प्लीज मेरे बेडरूम तक पहुँचा देना। रिंकी, मगर इसमें तो तुम्हारी सेफ्टी है, मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हारा भी इंतजाम कर रखा है, ये देखो। विकी को भी आज से नींद में चलने की बीमारी हो गई है, विकी जिसको भी जहाँ भी मिले प्लीज उसे उसके घर तक पहुँचा देना। रिंकी, अब ठीक है, मगर बताओ रिंकी, तुमने मुझे इतनी रात क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे पोटेशियम साइनाइड चाहिए। अच्छा, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड मुझे हो गया। मगर तुम्हें पोटेशियम साइनाइड क्यों चाहिए? क्योंकि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। वहाँ से पोटेशियम साइनाइड लाओगे और मुझे दोगे, और फिर मैं उसे खाकर इस दुनिया से दूर चली जाऊंगी। मगर तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया है विकी, और एक मार्क कम होने की वजह से मेरा सेकंड रैंक आ गया है। तो तुम पूछ रहे हो तो मेरा हमेशा फर्स्ट रैंक आता है विकी। ऐसा रिजल्ट लेकर मैं अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मगर रिंकी, अगर मरने का क्राइटेरिया यही है तो मुझे तो आज तक 10-20 बार मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में सेकंड रैंक तो क्या सेकंड क्लास भी नहीं आया हूँ, हमेशा थर्ड क्लास में पास होते आया हूँ। मुझे इस बात की शर्म ही नहीं। देखो विकी, ये बात तुम जैसे थर्ड डिविजनर के समझ में नहीं आएगी। हम फर्स्ट रैंकर से है ना, थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तुम जाओ ना, साइनाइड लेके आओ। मगर रिंकी, ये पोटेशियम साइनाइड लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसे तुम शर्म से ही बच जाओ, तुम्हें मरना भी ना पड़े। ऐसा क्या रास्ता हो सकता है? यार ये सोचने का काम बड़ा डिफिकल्ट होता है। तुम एक काम करो। हाँ। तुम सुसाइड कर ही लो यार। विकी 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 विकी, जब तुम इतना पोस्ट कर ही रहे ना तो हम इसके बारे में सोचते हैं ना। अरे मैं कहाँ पोस्ट कर रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम पोस्ट कर रहे थे, कर रहे थे ना, तुम पोस्ट कर रहे थे। कौन है तुम पोस्ट कर रहे थे? मगर मैं इतना फास्ट नहीं सोच सकता, मैं सोचने के लिए टाइम चाहिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल अपना टाइम ले लो, मैं अपना सुसाइड के प्लान ना कल तक पोस्टपोन कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं कल सुबह तक सोचकर तुम्हें फोन कर दूंगा। थैंक यू विकी। ओके रिंकी, ये लो तुम्हारा नोटिस बोर्ड। नहीं नहीं नहीं, रख लो, घर पर काम आएगा। मेरे मम्मी डैडी दोनों इसी तरह का नोटिस बोर्ड लगाकर रात भर नींद में चलते रहते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी,
क्या आज तो गुड मॉर्निंग बोलने की प्रैक्टिस कर रही है? क्यों? नहीं, सवेरे से 4 बार बोल चुकी है, इसीलिए पूछ रही थी। आज का मॉर्निंग रोज से जस्ते गुड होएगा ना मैम साहब, इसलिए। क्यों रिंकी? यू आर वेरी राइट। मैं जरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं। देखा मैम साहब, देख रही हूँ, लेकिन अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पहले कंफर्म होने दो फिर बोलना। ठीक है शांता भाई, तुम मेरी आड़ में से देख के बता रिंकी क्या कर रही है। मैं मैम साहब ना पेपर पढ़ने का बहाना कर रही है, नाखून चबा रही है, घबरा भी रही है, बार बार फोन की तरफ देख रही है। लगता है उसी लड़के के फोन का इंतजार कर रही है मैम साहब। फोन घंटी बज गई। चलो शांता भाई, किचन में जाकर काम पूरा करते हैं। बाय मैम साहब। विक्की, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। विक्की, विक्की नाम है लड़के का मेम साहब। विक्की मतलब लालवानी का लल्लू बेटा। सर तोड़ दूंगी मैं उसका, मेरी भोली भाली बेटी को फंसाते हैं। अपनी भोली भाली क्या बोलती है ये भी तो सुनो। लगता है तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। यहाँ मैं रात भर सोई नहीं हूँ, न नींद आती है न भूख लगती है। ऐसा ही रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। प्यार को लफड़े में बदलने में कितना टाइम लगता है मेम साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाके नहा क्यों नहीं? अरे मम्मी सुबह ही तो नहाया था, एक बार जाके और नहा ना। क्यों? तेरे गर्दन के नीचे कितना मैल है। तुमने कोई फैसला किया या नहीं विक्की? ये किस फैसले की बात कर रही है? शादी का फैसला और क्या? कि तुम्हें अपने घर वालों को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। घर वालों को बताने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। मेरी मम्मी को देखा है, हिटलर है हिटलर। घर वालों को छुपा कर तुम जो भी कहो ना, मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें फर्स्ट रैंक की नकली मार्कशीट बनवा कर दूंगा और तुम वही मार्कशीट अपने घर पर दिखा देना। टेंशन खत्म। लेकिन विक्की ये सब होगा कैसे? हमारे कॉलेज का एक चपरासी मेरा दोस्त है, वो ये सब काम करता है, मैं उसे बात करके तुम्हें बताता हूँ। विक्की मैं तुम्हारे अगले फोन कॉल का इंतजार करूंगी। ओके बाय। क्या रिंकी को प्यार हो गया? मैं जानती थी एक दिन ऐसे ही होगा। मैं बेचारी अपने खानदान की इज्जत का ढोल गले में लटकाए खड़ी रह गई और रिंकी चुपचाप से गई। हमारे देश में ऐसी धांधली हर जगह हो रही है मामा। मेरे जैसे ईमानदार लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं और रिंकी जैसे बेईमान लोग क्यों तोड़कर मौका झपट लेते हैं। क्या रिंकी तू भाषण क्यों दे रही है? आपको ये भाषण लग रहा है मामा? रिंकी को शर्म नहीं आई? मैं उसकी बड़ी बहन रेड सिग्नल पे खड़ी हूँ और वो सिग्नल तोड़कर निकल गई। मैं उससे 3 साल 4 महीने 15 दिन बड़ी हूँ। उसको कोई हक नहीं मुझसे पहले प्यार करने का। ये तो धोखा है। ओफो, उसी धोखे को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक बात बता, रिंकी के बिहेवियर में तुझे कोई सस्पिशियस बात दिखाई दी? मेम साहब इतना घुमा फिरा के काय को पूछती है? सीधे सीधे पूछो ना कि रिंकी के चाल चलन में कोई खोटी बात दिखी क्या? कल जब से रिंकी कॉलेज से लौटी है उसके लक्षण खराब दिख रहे हैं। ना किसी से बात करती है, ना कुछ खाती है, बस चुपचाप दीवार को देख के बड़बड़ाती है। लेकिन उसको कोई हक नहीं है मुझसे पहले लफड़ा करने का। और फिर अभी तो वो नाबालिग है मामा। प्यार करने के लिए बालिग होने की क्या जरूरत है? मैं भी तो नाबालिग थी जब मैंने तुम्हारे पापा के साथ लफड़ा किया था। क्या? I mean, प्यार किया था। लगता है खानदानी बीमारी है। क्या? फोन, मेम साहब फोन की घंटी बजी। हम तीनों किचन में जा रहे हैं, वो क्या है ना काम ज्यादा है इसलिए डिंकी को भी बुला लिया। चलो फोन सुन। चलो हेलो विक्की। काम हो जाएगा बॉस, मैंने उस चपरासी की एजेंट से बात कर ली है। थैंक गॉड विक्की, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। घबराओ मत,
मुझे यकीन है कि वो चपरासी नकली मार्कशीट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितना पैसा? 5-1 हजार तो लग ही जाएगा ना। 5 हजार रुपए? कितना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी विक्की? ये तो कंसेशन रेट है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। बात पक्की होते ही मुझे फोन कर देना, फिर हम आगे के प्लान के बारे में सोचते हैं। बाय विक्की। पूरा प्लान बन चुका है मैम साहब। हाँ। दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके शादी भी करने वाले हैं। मम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुझे पता था? तुझे तो नाता क्यों थी? क्या? मैं दूसरी बार भी ना चुका हूँ। इसे नाना कहते हैं। कौन के पीछे से मैं निकला नहीं और कहते मैं ना चुका हूँ। जब फिर से ना करा। क्या मैं? बिना तू चाहता है कि नहीं? जाना? रिंकी की शादी मुझसे पहले कैसे हो सकती है? चुप बैठ। ये तो सिर्फ 2 हजार रुपए है, अब क्या करूं? रिंकी दी की किताबें बेच देती हूँ, वैसे भी वो कहाँ पढ़ती है। ये बैग क्यों पैक कर रही है? लगता है घर से भागने की तैयारी कर रही है। मिंसा, रिंकी मुझसे पहले घर से कैसे भाग सकती है? कितने पैसे मिलेंगे? कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं, हम लोग किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन में इतना काम पड़ा है कि मुझे तुम्हारे पापा को बुलाना पड़ गया। ए चलो चलो, काम करना है कि नहीं? चलो। हेलो विक्की, क्या हुआ? टिकट पक्की हो गई विक्की, लेकिन तुमने पैसों का इंतजाम किया ना? मुझे तो लगता है कि मम्मी के कबर पर हाथ मारना पड़ेगा। मुझे पता है मम्मी पापा से पैसे कहाँ छुपा कर रखती है। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए तुम यहाँ आ जाना। मैं तो कल ही आ सकती हूँ कॉलेज के बाहर। कल तुम्हारे हाथ में होगी फर्स्ट रैंक की मार्कशीट। रियली? आई लव यू विक्की, यू आर सो स्वीट। वो कॉलेज का चपरासी जरूर है, पर लोग उसे नकली मार्कशीट का डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये तुम्हारा डॉक्टर काम तो बराबर करेगा ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना विक्की? अरे मुझे भरोसा रखो ना। तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैं ये पाप करने जा रही हूँ विक्की। मुझे तो डर है अगर कल किसी को पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, फिर तो मैं सुसाइड ही कर लूंगी। मत रिंकी, कल तक सब ठीक हो जाएगा। दुनिया की नजरों में तो सब ठीक हो जाएगा विक्की, लेकिन जो गलती मैंने की है ना उसके लिए मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। और एक बार कलंक जो लग गया वो तो नहीं मिटा सकती ना। लगता है मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मैं भी फोन रखती हूँ। मगर इनकी 5 हजार रुपए मैं लेकर आऊंगी ना साथ में। पैसा पहले देना पड़ेगा तभी वो मार्कशीट बनाएगा। तो ठीक है, मैं रात को 1 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये मामला प्यार और शादी से आगे पहुंच चुका है कि भागने की नहीं किसी और बात की तैयारी कर रही है। इनकी इज्जत को पूरा गटर में मिला के रख दिया इस लड़की ने। रिंकी क्या कह रही थी? सुसाइड, कलंक, गलती। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए आपको मामा? अगर ये सच है तो रिंकी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कैसी सजा? रिंकी को भी किसी शादी करना पड़ेगी और क्या? तू तो चुप रह यार, अभी कौन सी विदाई हो रही है? अभी तो ललवानी से बात करना पड़ेगी तब जाके शादी होगी। शादी? पापा किसके शादी है? तू फिर से आ गया, तू जाकर नाता क्यों नहीं? क्या? सुबह से 3 बार आ चुका हूँ,
से नाना कहते हैं देख साबुन लगा है कहाँ इधर भी जा फिर से ना किया जा फिर से हाँ नरेंद्र तुम लालवानी को फोन करो हाँ लालवानी अरे नहीं नहीं जरा प्यार से हम लोग लड़की वाले हैं ना लालवानी हियर लालवानी नरेंद्र बोल रहा हूँ नरेंद्र बोल रहा हूँ यार ललवानी मैं अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रख रहा हूँ क्यों रख रहा मैं तो पगड़ी पहनता नहीं हूँ भाई समझने की कोशिश कर यार पगड़ी का मतलब होता है इज्जत मैं अपनी इज्जत तेरे हवाले कर रहा हूँ यार ही ऐसी अनस्टेबल चीज का मैं क्या करूंगा इज्जत तो आजकल प्याज के भाव नहीं बिकती मार्केट में यार ललवानी जी मैं बेटी के बाप की तरह आपसे बात कर रहा हूँ यार आपके बेटे विक्की ने मेरी बेटी रिंकी के साथ आई मीन समझ रहा है ना यार तू नहीं अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा अगर मोटी है पल लड़की वाले हैं यार उसने वो किया है जिसकी वजह से किसी भी कुंवारी लड़की को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है नरेंद्र तू बकवास कर रहा झूठ मत बोल मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार नरेंद्र तू झूठी कहानी बनाकर अपनी बेटी मेरे बेटे के गले डालना चाहता है तो फिर तू लड़की वाले नरेंद्र ऐसी की तैसी लड़की वाले की ये लगवा नहीं समझता कि आपने आपको जेल भिजवा दूंगा व्यक्ति के बच्चे को अच्छा चल नाराज मत हो सीधी बात बता दहेज कितना देगा झूठी कोई भी नहीं वो तो बेटी की गलती नहीं होती तो तेरे लड़के को मैं मेरे घर की रद्दी भी नहीं देता रद्दी अच्छा चल तू ये साबित कर दे तो मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करने को तैयार हूँ सबूत चाहिए ना तो आज रात तू मेरे घर आ जा रात को 1 बजे तेरा बेटा मेरी बेटी से मिलने के लिए मेरे घर आने वाला है आ जा तू भी आ रहा हूँ बलवानी लावणी ऐसे ये लो पूरे 5,000 रुपए हैं गड्डी दलित तरकीब कुल नाशी बाप का नाम डुबोएगा वो चलता कौन चीख रहा है चीकू क्या कर रहा है मम्मी मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी क्या हो रहा है हर बात में ना गुजरना जरूरी है क्या नानी के नाम से तेरी नानी मरती है जा अंदर जाकर ना मम्मी ठीक से नहीं नहाएगा ना तो रात भर तुझे नहलाऊंगी दादर लेकिन मम्मी चाहता है कि अब तुम दोनों से मैं बात करूंगी ऐसी बात बताने में शर्म आ रही थी हाँ ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आ रही थी मैं मजबूर थी अग्गा भाई ऐसे में क्या मजबूरी थी जरूर इस विक्की ने मजबूर किया होगा तुम ठीक कहते हो नरेंद्र वरना हमारी रिंकी ऐसा नहीं कर सकती अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग मैंने तो जो भी किया वो रिंकी कहने में किया ए विक्की झूठ मत बोला मैंने तो सिर्फ पोटेशियम साइनाइड मांगा था पोटेशियम साइनाइड हाँ रिंकी दी मैंने तो सिर्फ पोटेशियम साइनाइड मांगा था इसी ने मुझे नकली मार्कशीट का आइडिया चिपका दिया नकली मार्कशीट ए रिंकी एक तो मैंने दोस्ती में तेरी मदद की और तो मुझे क्यों फंसा रही है तो मदद क्या फोकट में की मैं भी तो तुझे 5,000 रुपए देने वाली थी अच्छा वो 5,000 के मैंने अपने लिए मांगे थे एहसान फरामोश ए विकी तू मेरे साथ ठीक से बात करा नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा अच्छा तू मुझे थप्पड़ मारेगी बाय बाय एक मिनट नरेंद्र लगता है कंफ्यूजन पैदा हो गया मेरे बच्चे सच सच बता बाप क्या है तेरे बाप की इज्जत का सवाल है आज पता मामला क्या है मैं बताता हूँ पापा एक नंबर कमाने की वजह से रिंकी क्लास में सेकंड आई थी और उसने मुझे सुसाइड करने के लिए पोटेशियम साइनाइड मांगा लेकिन इसी ने मुझे नकली मार्कशीट की सलाह दे दी बेवकूफ कहीं का तू बेवकूफ लेकिन वो डॉक्टर कौन था कॉलेज का एक चपरासी जो नकली मार्कशीट बनाकर देता है तो बात ये है और हम समझ रहे थे कि आप लोग क्या समझे हम समझे कि दोनों को आपस में प्यार प्यार अरे विकी ये तो हमने सोचा ही नहीं था अरे हाँ रिंकी हम तो बेकार में नकली मार्कशीट के लिए टाइम वेस्ट कर रहे थे थैंक यू मम्मी थैंक यू पापा थैंक यू सब लोग क्यों
आप लोगों ने हमें एक नया रास्ता दिखाया। रिंकी। रिंकी।